अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गाजी क्रिएट्स में आप लोगों को वेलकम कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बुक को बाइंडिंग करना शेयर करूंगी। तो पिछली वीडियो में जो है बुक बाइंडिंग वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बुक को स्टेपलर के साथ जो है बाइंड करना शेयर कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम बुक को विदाउट स्टेपलर के जो है बाइंड करेंगे। तो इसके लिए ये देखे मैंने बुक ली है। बुक जो है थोड़ी बड़े साइज की है, तो इसके लिए जो है शीट्स वो मैंने बड़ी ली है। तो उसके बाद ये टेप मैंने दो तरह की लिया है, बिल्कुल एक टेप से भी जिस तरह पिछली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ उस तरह से भी एक टेप से भी इसको जोड़ सकते हैं, और इस तरह से दूसरी टेप भी मैंने ये यूज़ की है। और बाकी चीज़ें वही हैं, बिल्कुल कैंची चाहिए हमें, थोड़ी चाहिए। और आज हम बुक को बाइंड इस कील की मदद से करेंगे, और ये धागा चाहिए, और इस तरह से हमें ये सूआ चाहिए। इसमें ये देखें मैंने धागे को डबल करके डाल लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बुक को ये देखें बंद साइड से जो है कील की मदद से यहाँ पे सुराख कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे इस तरह से कील को रख के हथौड़ी की मदद से। सेम इसी तरह से इस साइड पे भी रख के तो सुराख कर लेंगे। ये देखें हथौड़ी और कील का काम जो है बस यहीं तक था। इस तरह से हमने सुराख कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे ये जो शीट्स हमने ली हैं, हम शीट्स को रखेंगे इस तरह से। और इस साइड पे भी शीट को सेट कर लेंगे। अब शीट्स को सेट कर लिया है। अब हम जो हमने सुए में धागा डाला है इस तरह से, जो हमने सुराख किया है इस तरह से यहां से गुजारेंगे, और ये देखें इस तरह से दूसरी साइड से बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पे गिरा लगा देंगे। देखें यहाँ पे इतना सा खींच के, तो यहाँ पे हम एक और दो जो है गिरा जो है वो लगा देंगे। यहां से इसको इस तरह से बांध लिया है। अब हम इसको फिर से पकड़ के यहां पे लगाएंगे। ये देखें जो हमने दूसरा सुराख किया है वहां तक लेके आएंगे इसको। इस तरह से लाने के बाद ये देखें धागे को फिर वापस ला के यहां से गुजारेंगे, और फिर यहां से जो है दूसरी तरफ ले जाके तो इसको गिरा लगा देंगे। इस तरह से इसको निकाल के तो अब हम यहां पे इन दोनों को आपस में बांध देंगे। इस तरह से अब जो इजाफी धागा है इसको कट कर लेंगे। इतना सा हमने छोड़ दिया है, इसको हम टेप में जो है फोल्ड कर देंगे। अब ये देखिए जो इजाफी शीट है इसको हम कट कर लेंगे। दोनों साइड से हमने जो है इजाफी शीट्स कट कर ली हैं। अब बिल्कुल सेम पिछली वीडियो के मेथड को जो है फॉलो करते हुए यहाँ पे हम टेप लगा लेंगे। ये जो एक इंच चौड़ी टेप है इसको हम यहाँ पे इसके किनारों पे लगाएंगे। इसको ये देखें शीट को उठाएंगे और इस गद्दे को उठाएंगे, और इन दोनों को इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखें इस तरह से सेम इसी प्रोसेस से इस साइड पे लगाएंगे।
इस तरह से सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम बुक की दूसरी साइड पे भी टेप लगा लेंगे। दोनों साइड्स पे हमने टेप को लगा लिया है। अब ये जो बड़ी टेप है इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये भी है। ये देखें, सिर्फ यहाँ पे बड़ी टेप को लगा के तो किनारों पे कोनों पे यहाँ पे छोटी टेप लगा के भी हम इसको बाइंड कर सकते हैं। तो मैं जो है यहाँ पे टोटल मैंने लगाई है, अब हम यहाँ पे बड़ी टेप को लगा लेंगे। यहाँ पे लगाने के बाद ये देखें, इस टेप को दूसरी तरफ भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखें, विदाउट जो है स्टेपलर के हमने बहुत ही खूबसूरती के साथ बुक को बाइंड कर लिया है। आप भी इस तरीके को फॉलो करके तो अपने बच्चों की बुक्स को घर में बाइंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।